नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक बार फिर से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और क्या डाला प्लेट्स के बीच में, इंसुलेटिंग स्लैब या डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एक ही बात है, ये स्लैब को डाला। पहली बात, ये डायग्राम जब मैं बना रहा था तो मेरे से ना ये विड्थ थोड़ी बड़ी बन गई थी, तो मैंने ना इसको मिटाना था, इसके ऊपर वाइटनर लगाना था, मैं लगाना भूल गया। तो भाई ये कोई डिज़ाइन का पार्ट नहीं है, इसको काट दो। तो सोचोगे पता नहीं कौन सा कैपेसिटर बन के आया है, कोई कैपेसिटर नहीं है, ये लाइन हटा दो पहले। तो ये आपकी पहली प्लेट है, ये आपकी दूसरी प्लेट है, बस ये मैं हटाना भूल गया, इसको हटा दें आखिरी वाली लाइन को, ठीक है। तो इसके ऊपर आप भी वाइटनर लगा लेना, मिट जाएगा, दिखेगा ही नहीं आपको, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगी। जिनके पास है वो लगा भी रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ, बढ़िया लग रहा है, आप घर जाके लगा लेना, ठीक है, नहीं तो वो इरिटेट होते रहोगे देख देख के ऐसे, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये एक स्लैब, ये देखो ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्यू एंड माइनस क्यू, क्यू एंड माइनस क्यू, ये चार्ज क्यू माइनस क्यू आपने दिया, बीच में स्लैब रख दी, इस स्लैब का नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसमें क्या दिखाई जा रही है, पोलराइजेशन। डायग्राम बिल्कुल क्लियर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई नॉट, स्लैब की थिकनेस क्या है, टी, प्लेट्स के बीच में दूरी क्या है, डी, पोलराइजेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट होगा, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या होगा, ई नॉट माइनस ई पी। तो डायग्राम क्लियर हो गया। अब इसके अंदर अगर ये स्लैब ना होती, हटा दो, तो खाली दो प्लेट्स होती, दो प्लेट्स की जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय टी, लिख दिया। लेकिन यहाँ पर प्लेट्स हैं, और अगर प्लेट्स हैं तो मेरे को इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फर्स्ट और आखिरी प्लेट का। तो अगर मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दूं और फर्स्ट प्लेट का चार्ज क्या है क्यू, तो क्यू को नए पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर दूं तो नई कैपेसिटेंस आ जाएगी। सही है यहाँ तक, पहले भी यही किया था, चार्ज आपने जो नोट करना होता है सिर्फ पहली प्लेट का करना होता है, बाकी तो सब चार्जेस चलते रहते हैं इंडक्शन या पोलराइजेशन की वजह से, तो क्यू को पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड करते हैं। अच्छा बताओ, इसके अंदर ये रीजन देख रहे हो पिंक वाला और ये वाला, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है हर जगह, ई नॉट, और इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई। तो इस रीजन में ई नॉट है, इस रीजन में ई है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट का फॉर्मूला ई डॉट डी आर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो ये जो स्लैब है इसकी थिकनेस क्या है, डी टी, और इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, तो ई को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रीजन का क्या जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ई को टी से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई, कोई डाउट इसमें। अब ये जो रीजन देख रहे हो, ये रीजन कितना है, ई नॉट, तो ये क्या है, डी, ये क्या है, टी, तो ये रीजन की लेंथ कितनी है, डी माइनस टी, डी माइनस टी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई नॉट, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इन दोनों में कितनी है, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले निकाली भी थी। तो ये देखो नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई नॉट डी माइनस टी रीजन में, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है वो किस रीजन में है, वो टी रीजन में है। तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू टी है, और इन दोनों का मिला के डी माइनस टी इंटू ई नॉट है। लेकिन अभी अभी हमने क्या किया, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, ई नॉट बाई ई, ई क्या है, ई नॉट बाई के, इस ई को उठा के यहां पुट कर दिया तो क्या आ गया, ई नॉट बाई के, यहां से ई नॉट कॉमन आ गया, ई नॉट क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाई एरिया, क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस क्या है, क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, पूरे पोटेंशियल डिफरेंस को नीचे ले आओ, क्यू से क्यू कैंसिल कर लो, ये टर्म ऊपर ले जाओ, इसमें से माइनस टी कॉमन निकाल लो, और ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लो। तो फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये फॉर्मूला नोट करो, फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो, फिर दोबारा समझाऊंगा। तो फॉर्मूला बुकलेट में ये नोट करो एक बार, फॉर्मूला विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब का अलग फॉर्मूला है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का अलग फॉर्मूला है। ठीक है,
के अंदर हमने एक स्लैब ली, डाइलेक्ट्रिक, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, बिना स्लैब के ये कैपेसिटेंस है, स्लैब के साथ नया पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, नया पोटेंशियल डिफरेंस में ई नॉट डी माइनस टी रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ई टी रीजन में, ई का फॉर्मूला वहाँ से ई नॉट बाई के पुट कर दिया, ई नॉट यहाँ से कॉमन निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा क्यू बाई एरिया है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्यू के नीचे ले आए, तो यहाँ से माइनस टी कॉमन निकाल के हमने वैल्यू निकाल ली नई जो है कैपेसिटेंस की, तो सी की वैल्यू आ गई। अब एक स्टूडेंट आया, वो फिर कहता था देखो कमाल हो गई, डी में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ रही है ना, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ रही है, तो क्यों ना ऐसा करें पूरे मटेरियल में, मतलब इस पूरे कैपेसिटर में पूरी डाइलेक्ट्रिक ही डाइलेक्ट भर देते हैं, ऐसे भर दो डाइलेक्ट्रिक से, और ऐसा अगर हम कर दें तो टी और डी बराबर है, तो टी और डी बराबर कर दो, चलो करके देखें, तो अगर टी और डी बराबर है तो पूरी जो कैपेसिटर की प्लेट है वो डाइलेक्ट्रिक से भर दी गई है, तो फिर टी और डी बराबर करके ओपन करके इस बार आंसर जीरो नहीं आया डिनोमिनेटर में, तो यानी कि अलाउड है, तो यहाँ से के ऊपर आ गया, तो आंसर क्या आ गया, स्लैब के साथ ये बिना स्लैब के ये फॉर्मूला था, स्लैब पूरी की पूरी अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर दी जाए पूरे कैपेसिटर को, तो कैपेसिटेंस कितने टाइम हो जाए, के टाइम, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब अगर खाली प्लेट्स की कैपेसिटेंस सी है, डाइलेक्ट्रिक से भर दी जाए, और सोचो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो आपका आंसर है 80 टाइम्स हो जाएगा सी, तो अगर 1 माइक्रो फेरेड है तो डाइलेक्ट्रिक से भर दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, 80 टाइम्स कैपेसिटेंस, और अगर ऐसा मटेरियल ढूंढ लिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 500 है, तो उसी जगह में 500 टाइम्स ज़्यादा चार्ज आएगा, ये तो बड़ी अचीवमेंट है, तो यानी कि अब जो कैपेसिटर बनेंगे वो बनेंगे तो इतने छोटे छोटे मोबाइल के अंदर, छोटे छोटे छोटे, पर उसमें मटेरियल भर दिया जाएगा 500 टाइम, 700 टाइम, उसी जगह पे ज़्यादा चार्ज आएगा, तो खींचो फोटोएं जो खींचनी है, तो ये इसका बेसिक फंड है, तो समझ में आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक भरने से के टाइम कर देंगे उसको, साइज बड़ा करने की जरूरत नहीं है, तो ये फॉर्मूला है।